नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 1030 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में ईडी ने मधुकान ग्रुप कंपनी, उनके निदेशकों और सहयोगियों की 96.21 करोड़ रुपए की 105 चल अचल संपत्तियों को 1 जुलाई को जब्त किया है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, प्रकाशम और कृष्णा जिले में 88.85 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 7.36 करोड़ रुपए की चल संपत्ति शामिल है। यह पूरा मामला मैसेज रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के माध्यम से बैंक से धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की है। रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड मधुकान समूह की कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई की रांची स्थित एसीबी ने बीते 12 मार्च 2019 को मामला दर्ज किया था। वहीं 30 दिसंबर 2020 को इस कंपनी और इनके सहयोगियों पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था। सीबीआई के दर्ज प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर ही ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी को मधुकान ग्रुप के माध्यम से अवैध तरीके से बनाए गए 361.29 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला है, जिस पर आगे का अनुसंधान जारी है। बता दें कि मधुकान ग्रुप की कंपनी रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 33 पर 114 से 277.50 किलोमीटर यानी कुल 163.50 किलोमीटर के फोर लेन का प्रोजेक्ट दिया था। यह रांची जमशेदपुर रोड पर रांची से रड़गांव तक के लिए था, जिसे 18 मार्च 2021 को कंपनी को मिला था। कंपनी के संस्थापक निदेशक कम्मा श्रीनिवास राव, नामा सितैया और नामा पृथ्वी तेजा थे। आरोप है कि कंपनी ने पूरी ऋण राशि प्राप्त करने के बावजूद परियोजना को पूरा नहीं किया, जिसके चलते बाद में उसका अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इसके बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और NHAI की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।